इन पत्थरों की फॉरेंसिक जांच की गई थी। फॉरेंसिक जांच के बाद ये पाया गया कि ये 5000 से 5500 साल पुराने पत्थर हैं और ये कंस किला की चारों तरफ दीवार के अंदर लगे हुए थे, लेकिन आज की डेट में आपको बहुत कम दिखाई देने, बहुत कम देखने को मिले। अभी आपको दो ये हैं और यहाँ पे दो, हर एक हुआ यहाँ पे से 6-7 पत्थर अभी बचे हुए हैं, लेकिन ये पत्थर काफी पुराने हैं और ये कंस किला में है। और कंस किला में जो सैनिकों के लिए पानी निकालते थे या अपने पीने के लिए पानी निकालते थे, हाँ तो वो यहाँ से निकलता था इस वाली जगह। तो ये कुआ सर काफी गहरा होगा, पुराना है, 5000 साल पुराना कुआ है। तो दोस्तों कुआ दिखाऊंगा मैं, और आदेश भाई हमारे साथ में है आज, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, सौभाग्य प्राप्त हुआ आदेश भाई ने हमें समय दिया। ये जो कुआ आप देख पा रहे हैं ना, ये कुआ पूरे 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ से दासियाँ जो होती थी वो यहाँ से पानी वगैरह निकाल, जी जी, तो यहाँ से पानी निकालती थी सर दासियाँ, ऐसे ऐसे सुनने में आपके भी, हाँ जी जी, दोस्तों बता तो ऐसी है सर। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, बच्चों को थोड़ा दूर रखना सर उससे। ये देखो भाइयों, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो आदेश भाई यहाँ पे कुछ बता रहे हो आप, सिंहासन वगैरह वो कहाँ पे है? सिंहासन यहाँ पे पर्जा लगती थी, यहाँ पे दरबार लगते था उनका, यहाँ पे पूरा जो एरिया होता था ना, ये वाला एरिया, जी जी, पूरे एरिया में यहाँ पर सिंहासन लगा करता था, ये वो जगह है। ये सिंहासन आज भी बचा हुआ है, उसकी थोड़ी सी कुछ अवशेष, हाँ अवशेष बचे हुए हैं जी। ये लाल पत्थर से बना हुआ देख पा रहे हैं ना, ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सैनिक वगैरह चढ़ा करते होंगे, जैसे जैसे सीढ़ियां है, यहाँ पे सिंहासन लगा करता था इस जगह, यहाँ पे कंस मामा बैठा करते थे जी जी। और यहाँ से उधर की साइड में पूरा सैनिकों का एक पूरा समूह यहाँ पे हुआ करता था जी जी। और उस समूह में यहाँ से सभी जो कृष्ण जी के समय के वक्त जो कंस मामा थे वो यहाँ से एक ऑर्डर दिया करते थे और सामने की ओर लगभग यहाँ पर बैठ करके पूरी जानकारी अपने सैनिकों के साथ साझा किया था जी जी। तो ये वही जगह है जहाँ कंस मामा का जो सिंहासन होता था वो लगता था यहाँ पर, और सामने सैनिक खड़े रहते थे, सामने इधर सैनिक खड़े रहते थे। और भाइयों बताया तो ये जाता है, और काफी जो श्रद्धालु है वो आते हैं देखने के लिए। आदेश भाई ये क्या चीजें होती होंगी, ये चीजें क्या होती हो? जो मैं बताता हूँ, जो बड़े जो उच्च कैटेगरी वाले जो सैनिक होते थे वे ऊपर रहा करते थे जी जी। जो नीचे सेना होती थी जो लड़ते थे वो नीचे खड़ा हुआ करते जी थे जी। इस वे पूरे एरिया में जी जी। जो सैनिक होते थे जी जी। जो नीचे वाली श्रेणी के होते थे जी जी। वो यहाँ खड़े होते थे, उससे ऊपर जो सेनापति वगैरह होते थे, सभासद वगैरह वो इधर बैठते थे। और यहाँ पे इधर यहाँ से सबसे ऊपर जहाँ पे वो आपको व्हाइट कलर की वो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, उसके जस्ट ऊपर सिंहासन लगा करता था। और यहाँ पर उनके दरबारी बैठा करते थे, यहाँ पर एक लाइन होती थी, यहाँ पे उस टाइम पे चटाई भी बिछी रहती होगी ना, ये तो मैं हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर एक सिंहासन लगता था जी। और यहाँ से सैनिकों को एक पूरा मतलब एक निर्देश दिए जाते थे, ऊपर की ओर से यहाँ पर आपको पूरी एक मतलब सेना की टुकड़ी यहाँ पर ऊपर पहरा देने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमने आपको दिखाया ये 5000 साल पुराना कंस का किला, और पत्थर ये भी 5000 साल पुराने होंगे आदेश भाई, मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये जो टुकड़ा आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला टुकड़ा जी जी, ये काफी पुराना है, ये लगभग इसको आप उठा नहीं सकते हो, देखो मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, नहीं उठा आदेश भाई काफी, तुम इसे उठा के दिखाओ, हिला के दिखाओ, चलो अच्छा अच्छा, आप इसे हिला भी नहीं सकते क्योंकि ये काफी भारी है, भारी है सच में। तो दोस्तों आदेश भाई उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठ पा रहा, देखो उठाने का प्रयास क्या, लेकिन भी बहुत भारी है जी जी। तो ये किस चीज का टुकड़ा होगा, किस चीज का? किसी मैं बताता हूँ, ये जो सिंहासन वगैरह यहाँ पे पहले होते थे ना जी जी, ये दीवार है जी जी, ये इस दीवार का टुकड़ा था जी जी, ये जो दीवार बनी है ना ऊपर जी जी, ये वाली जो दीवार है बनी है इसका टुकड़ा होता था, इसका टुकड़ा था। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इसको उस समय में उठा किस चीज से होगा, आज की डेट में तो क्रेन, आज के टाइम पे तो क्रेन वगैरह से उठाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे सैनिक वगैरह उठाते होंगे। मुझे अगर थोड़ा भाई दिक्कत करना है, अब आ गया तो भाई दिक्कत करके जाएगा, तो किसान भाई आज मैं बच्चा हूँ कंस के किले पे, और भाई हमारे साथ महादेव भाई है, तो भाई इसकी जानकारी तो थोड़ा दूंगा। ये जो पत्थर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये 5000 वर्ष पुराने पत्थर है, 5000 से 5500 वर्ष पुराने पत्थर है। कंस किला के अंदर इस तरह के पत्थर बहुत सारे थे जी, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन होने की वजह से ये काफी टूटा हुआ है, तो कई बार ये टूटा है कई बार बना है, तो उसकी वजह से ये 4-5 पत्थर ही यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों की फॉरेंसिक जांच की गई थी, फॉरेंसिक जांच के बाद ये पाया गया कि ये 5000 से 5500 साल पुराने पत्थर हैं और ये कंस किला के चारों तरफ दीवार के अंदर लगे हुए थे, लेकिन आज की डेट में आपको बहुत कम दिखाई देने, बहुत कम देखने को मिले। अभी आपको दो ये हैं और यहाँ पे दो, हर एक हुआ हुआ यहाँ पे 6-7 पत्थर अभी बचे हुए हैं, लेकिन ये पत्थर काफी पुराने हैं और ये कंस किला में है, कंस किला मथुरा में है। मथुरा में आप कंस किला नंबर, कंस किला नाम को आप गूगल कर सकते हैं और गूगल करके यहाँ पे आप इस जगह पर आ सकते हैं। तो है कंस किला, कुछ और भी जानकारी, कुआ है यहाँ पे, कुआ बता रहे हो आप, एक कुआ वो आगे वो है काफी, ये सुनने को आया कि ये कुआ है इधर की साइड में, दासियां वगैरह,
और कंस किला में जो सैनिकों के लिए पानी निकालते थे या अपने पीने के लिए पानी निकालते थे, हाँ तो वो यहाँ से निकलता था इस वाली जगह। तो ये कुआं सर काफी गहरा होगा, पुराना है, 5000 साल पुराना कुआं है। तो दोस्तों कुआं दिखाऊंगा मैं, और आदेश भाई हमारे साथ में है आज, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात, सौभाग्य प्राप्त हुआ आदेश भाई ने हमें समय दिया। ये जो कुआं आप देख पा रहे हैं ना, ये कुआं पूरे 5000 वर्ष पुराना है, और यहाँ से दासियां जो होती थी वो यहाँ से पानी वगैरह निकालती थी। जी जी, तो यहाँ से पानी निकालती थी सर दासियां, ऐसी सुनने में आपके भी। हाँ जी जी, हाँ, दोस्तों बता तो ऐसी है सर। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, बच्चों को थोड़ा दूर रखना सर उससे। ये देखो भाइयों, ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। तो आदेश भाई यहाँ पे कुछ बता रहे हो आप, सिंहासन वगैरह वो कहाँ पे है? सिंहासन जहाँ पे प्रजा लगती थी, यहाँ पे दरबार लगते था उनका, पूरा जो एरिया होता था ना, ये वाला एरिया, जी जी, पूरे एरिया में यहाँ पर एक सिंहासन लगा करता था, ये वो जगह है। ये सिंहासन आज भी बचा हुआ है, ये उसकी थोड़ी सी कुछ अवशेष, हाँ अवशेष बचे हुए हैं जी। ये लाल पत्थर से बना हुआ देख पा रहे हैं ना, ये मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सैनिक वगैरह चढ़ा करते होंगे, जैसे जैसे सीढ़ियां है। यहाँ पे सिंहासन लगा करता था इस जगह, यहाँ पे कंस मामा बैठा करते थे, जी जी। और यहाँ से उधर की साइड में पूरा सैनिकों का एक पूरा समूह यहाँ पे हुआ करता था, जी जी। और उस समूह में यहाँ से सभी जो कृष्ण जी के समय के वक्त जो कंस मामा थे, वो यहाँ से एक ऑर्डर दिया करते थे, और सामने की ओर लगभग यहाँ पर बैठ करके पूरी जानकारी अपने सैनिकों के साथ साझा किया था। जी जी, तो वही जगह है जहाँ कंस मामा का जो सिंहासन होता था वो लगता था यहाँ पर, और सामने सैनिक खड़े रहते थे, सामने इधर सैनिक खड़े रहते थे। और भाइयों बताया तो ये जाता है, इस कंस का सिंहासन बताया जाता है ना सर जी, है ना? अच्छा, लेकिन बता तो सर ऐसे जाता है लोगों के द्वारा कि कंस का सिंहासन है ना ये। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है कंस का सिंहासन, और काफी जो श्रद्धालु है वो आते हैं देखने के लिए। आदेश भाई ये क्या चीजें होती होंगी, ये चीजें क्या होती हो? मैं बताता हूँ, जो बड़े जो उच्च कैटेगरी वाले जो सैनिक होते थे वे ऊपर रहा करते थे, जी जी। जो नीचे सेना होती थी जो लड़ते थे वो नीचे खड़ा हुआ करते जी थे जी। इस वे पूरे एरिया में जी जी। जो सैनिक होते थे जी जी। जो नीचे वाली श्रेणी के होते थे जी जी। वो यहाँ खड़े होते थे, उससे ऊपर जो सेनापति वगैरह होते थे, सभासद वगैरह वो इधर बैठते थे। और यहाँ पे इधर यहाँ से सबसे ऊपर जहाँ पे वो आपको व्हाइट कलर की वो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है, उसके जस्ट ऊपर सिंहासन लगा करता जी जी। और यहाँ पर उनके दरबारी बैठा करते थे, यहाँ पर एक लाइन होती थी जी। यहाँ पे उस टाइम पे चटाई भी बिछी रहती होगी ना, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर एक सिंहासन लगता था, जी जी। यहाँ से सैनिकों को जी जी एक पूरा मतलब एक निर्देश दिए जाते थे ऊपर की ओर से, यहाँ पर आपको पूरी एक मतलब सेना की टुकड़ी यहाँ पर ऊपर पहरा देने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आज हमने आपको दिखाया ये 5000 साल पुराना कंस का किला, और 5000 साल पुराने होंगे आदेश भाई, मुझे तो ये लग रहा है जैसे ये जो टुकड़ा आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला टुकड़ा जी जी, ये काफी पुराना है, ये लगभग इसको आप उठा नहीं सकते हो। देखो मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, नहीं उठ रहा आदेश भाई, काफी तुम इसे उठा के देखो, हिला के दिखा दो, चलो। अच्छा अच्छा, आप इसे हिला भी नहीं सकते क्योंकि ये काफी भारी है, भारी है सच में। तो दोस्तों आदेश भाई उठा रहे हैं लेकिन नहीं उठ पा रहा, देखो उठाने का प्रयास किया लेकिन भी बहुत भारी है जी जी। तो ये किस चीज का टुकड़ा होगा, किस चीज का? किसी मैं बताता हूँ, ये जो सिंहासन वगैरह यहाँ पे पहले होते थे ना जी जी, ये दीवार है जी जी, ये इस दीवार का टुकड़ा था जी जी, ये जो दीवार बनी है ना ऊपर जी जी, ये वाली जो दीवार बनी है इसका टुकड़ा होता था, इसका टुकड़ा था। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि इसको उस समय में उठा किस चीज से होगा, आज की डेट में तो क्रेन, आज के टाइम पे तो क्रेन वगैरह से उठाया जाता है, लेकिन उस टाइम पे सैनिक वगैरह उठाते होंगे। और आप दो गेट देख पा रहे हैं ना, सामने जो गेट है जी जी, ये कंस की जो नीचे जाने के लिए रास्ते वगैरह होते थे, रास्ते वगैरह होते थे तो यहाँ से होते थे, लेकिन अब ये काफी बार टूटा है बना है, तो दोबारा निर्माण होने की वजह से इस तरह का। आदेश भाई ये क्या चीज होती थी होगी, ये मैं देख रहा हूँ बाहर की ओर आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं जी जी, ये भी 5500 वर्ष पुराने, 5500 वर्ष पुराने होंगे ये भी, ये भी, ये देखो भाई ये भी 5500 वर्ष पुराने होंगे, ये फिलहाल यहाँ पर इसलिए छोड़े गए हैं ताकि ये निशानी रह सके उस समय की जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ ही अवशेष रह चुके हैं, और ये आंटी जी आई हुई है, तो आंटी कंस का किला देखना आयो आप, कंस का किला देखना आयो, कैसा लग रहा आपको कंस का किला देख के? अच्छा। बढ़िया लग रहा। हाँ। अच्छा जैसे आपने देखा पिक्चरों में बिल्कुल ऐसी ही है, हाँ, ऐसी है, ऐसी है। तो आप कहाँ से आए हो जी, आप कहाँ से आए हो? कर्नाटका, बेलगाम सिटी। अच्छा वहाँ से आए हो, नदी जहाँ से वासुदेव को ले जाया गया था ये वही नदी है? तो दोस्तों ये वही नदी है जहाँ से वासुदेव जो भगवान श्री कृष्ण को ले जाते हैं, और इसमें उस टाइम पे बहुत पानी था, और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान के पैरों से टच होता तो पानी कम हो जाता था। तो दोस्तों ये भी देखना है इसको, तो काफ़ी दूर से हैं कुछ भैया पुणे से आए हैं, ये मुझे मिले हैं कंस के किले के। नमस्ते भैया, आपका क्या नाम है? संदेश। अच्छा आप किला देखने आए हो भैया सारा? हाँ। अच्छा,
तो आपने इसके बारे में कहीं सुना था कि वहाँ पे कंस का किला भी हो सकता है? नहीं, हम बस पास में एक मंदिर में आए थे। अच्छा, तो वहाँ पर आने के बाद में किसी ने बताया यहाँ पर कंस किला करके भी है और नीचे घाट भी है, तो वहाँ पर जाके देख लेना करके। तो आपने सारा मथुरा देख लिया वैसे? ये अभी आया हमारा पहला ही दिन है। जी, आपका पहला दिन है? हाँ। तो आप मतलब कहाँ पे रुके हुए? यहीं पे रुके हो मथुरा में? हाँ, मथुरा में ही रुके हैं, स्टेशन के पास। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं एक भैया, ये भी आपके साथ में है। हाँ। जी जी। तो आप ये नाव में घूम लिए भैया? नहीं जी। अच्छा, तो भैया ये बताते हैं एग्जैक्टली वही यमुना नदी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को ले जाया गया था वहाँ से, इधर से वासुदेव जी, और यहाँ मैंने लोगों से बातचीत भी की है। तो आपको कैसा लग रहा है आज देख के ये चीजें? एकदम होली जगह है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी भैया, एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, और भाइयों आज हमें आपको दिखाया ये कंस का किला। तो सारे भाइयों ने राम राम भाइयों।